ये वाला जो वीडियो है ना गाइस, ये वाला वीडियो बेस्ड होने वाला है अगर तुम्हारे डिवाइस में माली का प्रोसेसर है तो भाई एक बार ये वाला वेनलेटर चेकआउट कर लो, ठीक है। ये जो गेम प्ले है, ये जो गेम प्ले वीडियोस तुम लोग देख रहे हो, ये माली के डिवाइस से लिया गया है। ये आ गया लारा क्राफ्ट टॉम राइडर और ये आ गया लारा क्राफ्ट टॉम राइडर लेजेंड और एनिवर्सरी। लेजेंड था पहले वाला, उसके बाद एनिवर्सरी आ गया। और ये आ गया गाइस द एल्डर रिम स्काईरिम 4 है ये, मतलब ठीक है, स्काईरिम द एल्डर स्काईरिम 4 है ये। तो यहाँ पे वैसे 5 भी प्लेबल है, अगर तुम लोग को चाहिए तो हम लोग माली के डिवाइस में चला सकते हैं। काफ़ी सारे गेम्स यहाँ पे और भी प्लेबल हैं अगर तुम लोग के पास माली का डिवाइस है। एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल है हम लोग के पास। चलो गाइस, इस वाले वीडियो में मैं तुम लोग को इसका रिव्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भाई कई सारे हम लोगों का ना कंक्लूजन्स भी है कि भाई ये वेनलेटर चला तो चला, आखिर कौन कौन से गेम चला सकता है, ठीक है। तो वीडियो के बीच में या तो आगे मैं तुम लोग को वो भी बता दूंगा, फिलहाल के लिए इसका सेटअप वीडियो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। उसको कन्फिगर सेटअप करना है तो करना क्या है, एजिनोस का डिवाइस है तुम लोग का, सैमसंग का डिवाइस अगर तुम लोग का आईक्यू के आते हैं ना, और भाई एक इनफिनिक्स के जितने भी डिवाइस होते हैं तुम लोग को पता होगा उनमें क्या होता है, अधिकतर इनफिनिक्स के डिवाइस में माली का प्रोसेसर होता है। तो भाई स्पेशली ये वाला वेनलेटर तुम लोग के लिए बनाया गया है। एज यू कैन सी गाइस, मैं तुम लोग को पहले बता देता हूँ इसको इंस्टॉल तो इंस्टॉल कैसे करेंगे। भाई इंस्टॉल भाई बहुत ज़्यादा इजी है इंस्टॉलेशन यहाँ पे। मैं तुम लोग को अगर इसका ऑफिशियल वेब पेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, तो उस वाले वीडियो में जाकर तुम लोग कमेंट सेक्शन में पिंड हो रखा होगा, चेकआउट कर लेना गाइस, ठीक है। ओके, एज यू कैन सी पहले मैं तुम लोग को यहाँ पे अपडेट लॉक्स बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग को अपडेट लॉक्स में क्या क्या चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे अल्टीमेट कैपकॉम वर्सेस मार्बल 3 न्यूली एडिड है। यहाँ पे इसके अगर तुम लोग को चाहिए प्लगइन्स अवेलेबल है। द एल्डर स्क्रीम स्काईरिम 5 भी अवेलेबल है। डेविल मे क्राई 4 और कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे एडिट नहीं है, मतलब पहले ऐड थे फिर उसके बाद रिमूव किया गया क्योंकि उसको ज़्यादा स्टेबल करने के लिए। स्टेबल रहने दो, स्टेबल जब आ जाएगा ना भाई तब तक हम लोग उसको इंतजार करेंगे, बाद में वो हम लोग गेम प्लेबल रख सकते हैं। वैसे प्लेबल अभी भी होगा भाई, ऐसा बात नहीं है, कुछ नॉर्मल छोटे मोटे ग्लिच होंगे वो सब। बाकी गाइस देखो, यहाँ पे हम लोग को एपीके इंस्टॉल कर लेना है, और भाई अगर तुम लोग को बताया ना सेफ है या नहीं, भाई वो सबके डिवाइस में बताता है, ठीक है, उसको सेफ इंस्टॉल एनीवे कर लेना गाइस। यहाँ पे आ गया, इसके बाद सेटिंग्स डिफॉल्ट रहने थे ना, डेवलपर्स ने जो डिफॉल्ट सेटिंग्स रखा कुछ सोच समझ के ही रखा होगा तुम लोग के लिए, तो इसीलिए इसको कंपैटिबिलिटी कर देना, ठीक है। डिफॉल्ट में कंपैटिबिलिटी, पहले भाई गेम तो हम लोग का रन हो, बाद में तो हम लोग सेटअप करें, ठीक है। पहले हम लोग बेस्ट सेफ सेटिंग्स यहाँ पे उसका मैं तुम लोग को बता देता, ठीक है। बाकी अगर परफॉर्मेंस चाहिए ना तो भाई 960x54 फुल रिजोल्यूशन रख लेना, इससे ऑलरेडी तुम लोग का परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। वर्जियल है तुम लोग को पता है, यहाँ पे हम लोग को DXV के अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे हम वाइन 3D करके हम लोग सारे के सारे ऑप्शंस जो भी मैं बता रहा हूँ गाइस इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। भाई गाइस ये सब हम लोग गेम का जो सेटिंग्स ऑप्शंस है तो ट्विक्स करने के लिए ये आ गया भाई। एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे चाहिए तो शुरुआत के हम लोग दोनों CPU इसको डिजेबल कर देंगे, बाकी हम लोग को अनेबल रख देना है CPU, उससे परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाएगा। बाकी गाइस ये देखो कंटेनर के अंदर का है ना जो भी चीज़, वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा जादू देखने मिलेगा गाइस। ये देखो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट गेम टेस्ट अवेलेबल, गेम प्रेजेंट्स अवेलेबल है गाइस, ठीक है। इसी में हम लोग बोल सकते हैं डेवलपर ने ज़्यादा अधिकतर मेहनत किया। यहाँ पे गाइस देखो मैसा वर्जियल, ठीक है, सबसे पहले जैसे विनलेटर ओपन करोगे तो मैसा वर्जियल हम लोग को जो भी प्लगइन है उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को वर्जियल इंपोर्ट कर रहे हैं, ये आ गया गाइस। इसके बाद अभी इसके बाद हम लोग को दोबारा से एक और बार आ जाना है यहाँ पे, हम लोग मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ और क्या क्या हम लोग को चीज़ें वाइन 3D में गाइस देखो, ठीक है। वर्जन 4.18 गुड परफॉर्मेंस के लिए, वर्जन 4.13 हम लोग को डेड स्पेस के लिए, अलग अलग वर्जन से हम लोग को अलग अलग गेम चलता है, बेसिकली ये बोलने का कोशिश किया गया, ठीक है। अगर तुम लोग को चाहिए भाई कुछ ओल्ड गेम्स तो सबसे ऊपर वाइन 3D डिफॉल्ट वाले को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, कुछ ओल्ड गेम्स हम लोग यहाँ पे प्लेबल रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्टएक्स 8 से पुराने। भाई गाइस देखो अगर साउंड का इशू आ रहा है तो हम लोग यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। हम लोग को एक्स्ट्रास में जो गेम्स कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मांगते हैं तो हम लोग उसको कर सकते हैं। बाकी गाइस ये देखो वाइन डी 3 में 9.0.1 ये सब 7. ये सब ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ओल्ड वाला वर्जन ही तुम लोग अगर माली चला रहे हो तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बाकी उसके बाद करने के बाद देखो भाई टेस्ट D3D तुम लोग कर लेना, टेस्ट D3D सारे प्लगइन्स अनेबल करने के बाद देखो टेस्ट D3D में तुम लोग का अगर चाहिए कि भाई बेटर गेम परफॉर्मेंस तुम लोग का देता है भाई, FPS तुम लोग का 100 से ऊपर आना चाहिए, ठीक है यार, 80-100 इससे ऊपर परफॉर्मेंस आना चाहिए बेंचमार्क के अंदर, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है भाई अगर तुम लोग कुछ ओल्ड टाइप के क्लासिक टाइप के PC की गेम्स चलाना चाहते हो। बाकी गाइस देखो डेड स्पेस 1-2-3 अवेलेबल है, Fallout 3 स्पेशली डेवलपर ने बोला अगर ये खेलोगे तो यहाँ पे इस वाले गेम में ज़्यादा स्टेबिलिटी तुम लोग को मिलेगा वेनलेटर माली में। YCT सैन एंड्रियास GTA 3 ये भी रन कर सकते हैं हम। PES Pro Evolution Soccer का 2008 से लेकर 2013 तक यहाँ पे हम लोग रन कर सकते हैं।
और यहाँ पे गाइस देखो हम लोग को रेसिडेंट एविल 1 भी प्लेबल है, द एल्डर स्काइरिम 5 भी प्लेबल है, टॉम राइडर लेजेंड्स भी प्लेबल है, टॉम राइडर एनिवर्सरी अल्टीमेट कैपकॉम वर्सेस मार्वल 3 भी यहाँ पे हम लोग को प्लेबल मिल जाएगा गाइस। ठीक है, बाकी गाइस देखो यहाँ पे अभी मैं तुम लोग को कंट्रोलर्स बता देता हूँ। इनपुट कंट्रोलर्स में आ जाना, लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर लेना स्क्रीन के, तुम लोग को इनपुट कंट्रोलर्स मिल जाएगा। यहाँ पे इनपुट प्रोफाइल करने के बाद यहाँ पे इस वाले में तुम लोग क्लिक कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग को चाहिए अभी ज़्यादा स्टेबिलिटी गेम फॉलआउट 3 है हम लोग को, फिलहाल के लिए इसके हम लोग करके इसको ओके कर देंगे, डन कर देंगे हम लोग का जो कंट्रोलर है फॉलआउट 3 का, भाई ये हम लोग का इंपोर्ट हो जाएगा गाइज। इसके बाद गाइज मैं तुम लोगों को अभी कंक्लूजन्स मिटा देता हूँ। भाई कई सारे बंदे बोल रहे हैं भाई क्या हम लोग बड़े बड़े गेम खेल पाएंगे, फॉर एग्जांपल हो गया लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर 2013 एडिशन आ गया, हम लोग को GTA 4 आ गया, हम लोग को स्लीपिंग डॉग्स आ गया, हम लोग को भाई डाइंग लाइट आ गया। भाई इसकी यहाँ गाइज उस सब गेम्स के लिए ना गाइज थोड़ा सा वो कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, फिलहाल के लिए वो सब गेम्स यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। कई सारे मेरे चैनल में बंदे आके बोल रहे हैं कि भाई यार अब तो हम लोग वाली के डिवाइस में भाई हाई एंड ट्रिपल ए टाइटल्स के गेम खेल सकते हैं। नहीं गाइज रुको, ठीक है वेट करो, ट्रिपल ए टाइटल्स के गेम तुम लोगों को क्लासिक्स में भी अवेलेबल हैं। ये नहीं कि भाई तुम लोग नए जनरेशन के ही गेम खेलना स्टार्ट करते हो, भाई वो यहाँ पे फिर भी प्लेबल नहीं है। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो गेम्स प्लेबल है ना भाई वो स्पेशली मैं बनाऊंगा, उसके वीडियोस बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, और जो भी वहाँ पे गेम्स मैं तुम लोग को बताऊंगा वो प्लेबल होंगे इस वाले विनलेटर माली वाले वर्जन में गाइस। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि भाई तुम लोग सारे के सारे गेम खेलोगे ये वाले विनलेटर माली वाले वर्जन में। यहाँ पे गाइस जो बेसिकली जो बड़े बड़े बातों पर ध्यान दिए गए ना इस वाले विनलेटर में, तुम लोगों को सिंगल प्रोफाइल है, अगर तुम लोगों को कोई गेम खेलना तो भाई प्रोफाइल लोड कर लो, तो भाई उस वाले गेम का तुम लोगों को वाइन 3D इंस्टॉल मिल जाएगा प्लगइन्स, तो तुम लोग डायरेक्ट वहां से जाके खेल सकते हो। तो ये शॉर्टकट है इस वाले विनलेटर में। ठीक है गाइस, बाकी गाइस बड़े बड़े गेम्स के लिए तुम लोगों को अभी कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, या तो बेटर रहेगा कि स्नैपड्रैगन का छोटा सा भी लो एंड डिवाइस भी ले लो ना तुम, वो भी तुम लोग का बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगा माली के डिवाइसेस से। बाकी गाइस हैव अ नाइस डे। डायरेक्टएक्स का बात अगर मैं तुम लोगों को करूँ ना भाई, डायरेक्टएक्स 9 से पुराना ही गेम कोशिश करना, ट्राई करने, और मैंने अपने चैनल में एक वीडियो स्पेशली बनाया है विनलेटर के क्लासिक्स गेम्स प्लेबल, ठीक है उसका भी मैंने बनाया, तो वो चैनल में जाके देख लेना, वो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे वो चल पाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टएक्स 9 के पुराने सारे हम लोग के गेम है, 8 के यहाँ पे मिल जाएंगे, उससे भी पुराने पुराने प्रोजेक्ट IGI वो सब टाइप के हम लोग को मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट IGI का गाइस अगर मैं तुम लोग को बताऊँ वो थोड़ा सा कम स्टेबल है भाई, वो गेम ही भाई कोई कोई होता है ना GTA 4 कितना अनऑप्टिमाइज्ड है भाई, इसीलिए प्रोजेक्ट IGI अनऑप्टिमाइज्ड है, उसको इग्नोर मार देना। हैव अ नाइस डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुम लोग का हो सकता है जितना कंफ्यूजन दूर कर दिया हो।